बेचारा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर अभी भी लटकी है तलवार। एफएटीएफ से संबंधित संस्था एशिया पैसिफिक ग्रुप ने टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी पाकिस्तान पर ये तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि अभी तो एपीजी ने उसे ब्लैकलिस्ट में डाला है। एफएटीएफ की बारी तो अभी बाकी है और ये पाकिस्तान की बदहाली पर एक और कील ठोकने जैसा होगा। ये इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि इस फैसले का असर अक्टूबर में होने वाली एफएटीएफ की बैठक में देखने को जरूर मिलेगा। एफएटीएफ के 27 पॉइंट एक्शन प्लान की 15 महीने की समय सीमा खत्म हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में चली एपीजी की बैठक में पाया गया कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकने को लेकर जो 40 स्टैंडर्ड बनाए गए थे, उनमें से 32 का पालन पाकिस्तान ने नहीं किया। और अब पाकिस्तान का क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। एफएटीएफ में क्या होगा चीन का रुख। बैठक के दौरान एपीजी के सदस्यों ने इसको आतंकवाद पर लगाम कसने में विफल पाया, जिसके बाद ही इसको काली सूची में डालने का फैसला लिया गया था। ये भी बता दें कि एपीजी ने पाकिस्तान की तरफ से पिछले 3 सालों के तहत आतंकी फंडिंग रोकने के लिए जो कदम उठाए थे, उसके आधार पर अपना आकलन किया है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से दुनिया के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन पाकिस्तान की मदद करता है, क्या उसी तरह एफएटीएफ में उसका बचाव करेगा या फिर उससे पल्ला झाड़ जाएगा। फिलहाल अभी तो ये भारत की बड़ी जीत है, एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्ट करना लगभग तय। आपको बता दें कि एपीजी पूरी दुनिया में आतंकवाद को होने वाली फंडिंग पर निगाह रखता है और उसी आधार पर अपनी रिपोर्ट एफएटीएफ को सौंपता है। इसके बाद ही एफएटीएफ संबंधित देश पर कार्रवाई करते हुए उसको काली सूची में डालता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एफएटीएफ ने फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि एफएटीएफ ने मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, लेकिन उसको इस पर कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए थोड़ा समय दिया गया है। लेकिन एपीजी ने पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया है, और जब एपीजी ने ऐसा कर दिया है तो एफएटीएफ की तो मोहर इस पर लग कर रहेगी। अब क्या होगा पाकिस्तान का, आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले ही आर्थिक बदहाली का शिकार हो रखा है, कटोरा उसके हाथ में है। ऐसे में एपीजी का फैसला पाकिस्तान की आर्थिक कमर को तोड़ कर रख देगा। इस फैसले के बाद अब आईएमएफ समेत वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान का कोई भी ताजा ऋण नहीं ले सकेगा। ये इसीलिए बेहद खास है क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सालों से कर्जे पर टिकी हुई है। इसके साथ ही एफएटीएफ की बैठक हर साल होती है, वहीं उसकी सहयोगी इकाइयों की बैठक भी कुछ समय के अंतराल पर होती रहती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने पर अपनी मोहर लगा भी देता है तो भी पाकिस्तान के पास इससे निकलने के विकल्प होंगे, लेकिन ये तो तब होगा जब एफएटीएफ उसकी दी हुई दलीलों और सबूतों को मानेगा। और ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, आतंकवाद तो उसका जरिया है, उसके बिना तो वो जिंदा भी नहीं रह सकता। यानी कि अब पाकिस्तान का खात्मा पक्का है, उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।